ट्रक रेस एक टेक्निकल इवेंट है और टेक्निकल इवेंट में आपको वॉक रेस जो पाकिस्तान में होती है 20 किलोमीटर नेशनल होती है और 20 किलोमीटर नेशनल खेलने के लिए जो इन ट्रेनिंग करनी पड़ती है हमें उसमें हमें रनिंग की क्रॉस कंट्री भी लगानी पड़ती है कम अज़ कम हफ्ते में दो या एक एक मस्ट है हफ्ते में एक क्रॉस कंट्री आप लगाएं 16 किलोमीटर 18 किलोमीटर रनिंग में और उसमें आप ट्रैक भी करें वॉक रेस का और वॉक रेस के आप ट्रैक करें 400 मीटर का ट्रैक करें स्टडी रनिंग करें उसके अलावा 200 मीटर 300 मीटर लगाएं और उसके अलावा वॉक रेस की क्रॉस कंट्री भी लगाएं हफ्ते में एक रनिंग की क्रॉस कंट्री होती है एक वॉक रेस की क्रॉस कंट्री लगाएं आप रोड पर 18 किलोमीटर 16 किलोमीटर इस वक्त हमारा टाइम चल रहा है और तकरीबन 1 घंटा 40 चल रहा है हमारा टाइम मेरा और वॉक रेस में जो टेक्निक है अब उस पर आ जाते हैं वॉक रेस की टेक्निक में सबसे पहले आपने पाँव को ज़मीन पर जो कनेक्ट करना है वो है एड़ी के साथ लैंड करना जब आप ज़मीन पर वॉक रेस एड़ी के साथ लैंड करेंगे तो लैंड करने का तरीका ये है कि ये आपका पाँव हवा में है ये आपने लैंड किया एड़ी पर ये आपका एड़ी पर लैंड हो गया लेकिन यहाँ पर स्टे नहीं करना होता एड़ी पर लैंड करने के साथ ही दूसरे लम्हे में आपने पूरे पाँव के साथ ये ऊपर वाला बॉडी का जो ट्रांसफर है वेट है वो इस टांग पर आ जाएगा और दूसरी टांग की जो पोजीशन है वो ये हो जाएगी ये वाली ये सिंगल टेक्निक है ठीक है और जब आप दूसरे पांव को हवा में उछालेंगे तो वो ये तरीका है इसमें क्या है पंजा शो कर दिया आपने पंजा आपने हवा में शो करना ये पंजा हवा में शो हो रहा है ये नहीं ये रॉन्ग है ये शो हो गया लैंड हो गया एड़ी पर पूरे पाँव पर वजन आ गया जॉइंट का वेट इस साइड पर आ गया और वॉक रेस में ज़मीन पर पाँव का कनेक्ट रहना ज़रूरी है ये कनेक्ट रहना ज़रूरी है अगर आपके दोनों पाँव ज़मीन से हवा में है तो आप वॉक रेस में कर रहे हैं आप फाउल हो गया है आपका ठीक है वॉक रेस करते हुए ज़मीन पर एक पाँव का कनेक्ट होना ज़रूरी है पहले आप एड़ी पर पंजा हवा में शो करें एड़ी पर लैंड करें पूरे पाँव पर वज़न ट्रांसफ़र करें फिर यही तीन रूल दूसरी पोजिशन में लेके आएँ 1 2 3 1 2 3 जैसे कि चलो वन इसमें आपने देखा पंजा शो है 1 2 3 1 2 3 इसी को हम तेज़ दिखाएंगे आपको तेज़ इस तरह किस वॉक रेस को इसी पोजीशन में तेज़ कैसे करते हैं